आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दल एकता की कोशिशों में जुटे हैं। नीतीश कुमार 12 जून को विपक्ष की बैठक की रणनीति बनाने में व्यस्त हैं। राहुल गांधी के विदेश दौरे से वापस आने के बाद इन कोशिशों में तेजी आएगी। हालांकि विपक्ष के अलग अलग खेमों में सामंजस्य का अभाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हाल ही में कई बार राज्य में कांग्रेस की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर साथ साथ हैं। सभी दलों को ये समझना चाहिए कि राज्य स्तरीय दलों के अपने दायित्व होते हैं। हमने तो केवल मेघालय और गोवा में चुनाव लड़ा, पर जब कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात में चुनाव लड़ा, वहां हमने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, हमने तो वहां उनका समर्थन किया। आपने इतने राज्यों में चुनाव लड़ा, हमने आपसे कभी कोई सीट नहीं मांगी। अगर पिछले एक दशक पर नजर डालें, तो अब तक मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता की तमाम कोशिशें दूर की कौड़ी साबित हुई हैं। प्रधानमंत्री की मजबूत छवि के सामने विपक्ष अक्सर एक कदम आगे तो दो कदम पीछे जाता हुआ नजर आया है। सवाल उठता है कि आखिर विपक्ष से चूक कहां हुई? देश में विपक्षी एकता के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसका अलग अलग खेमों में बटा होना और नेताओं की निजी महत्वाकांक्षाएं रहा है। मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल के दौरान कुछ मौकों को छोड़ दें तो विपक्ष में एकजुटता का अभाव बना रहा। विपक्ष की सबसे बड़ी एकता कृषि कानूनों के मसले पर सामने आई थी, जब सरकार को मजबूर होकर बिल वापस लेना पड़ा। इसके बाद विपक्षी एकता जांच एजेंसियों की कार्यशैली के मसले पर नजर आई, जिसकी शुरुआत नेशनल हेरल्ड केस से हुई थी। अलग अलग मामलों पर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई से पूरा विपक्ष केंद्र की बीजेपी सरकार से आक्रोशित हुआ। इसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई और केजरीवाल के मंत्री जेल गए, तो विपक्षी दल एक दूसरे की चोट सहलाते हुए नजर आए, लेकिन उनमें सामूहिकता का अभाव बना रहा। अब दिल्ली में अध्यादेश के मसले पर केजरीवाल संसद में समर्थन जुटाने के लिए घूम रहे हैं। उन्हें समर्थन मिल भी रहा है, लेकिन कांग्रेस का रुख मामले में स्पष्ट नहीं है। यानी यहाँ भी विपक्ष इस मुद्दे पर लामबंद हो गया हो ऐसा नहीं है कि केजरीवाल हर उस थाली में छेद करता है जहां से उसको भोजन मिलता है, हर उस व्यक्ति को धोखा देता है जिसने उसकी मदद की है। आप देखिए, इसने सबसे पहला काम क्या किया, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, विजिलेंस के आदमी को बदला। क्यों भाई विजिलेंस, क्यों बाकी क्यों नहीं? क्योंकि मालूम था विजिलेंस वाला आपके ऊपर फाइलों के ऊपर बैठा हुआ है। और रात को जो बात आई कि दरवाजे खुले विजिलेंस विभाग की और फाइलें गायब हो गई, तो फाइलें कौन सी गायब हुई? कौन सी फाइलें गायब हुई? शिक्षा विभाग की फाइलें गायब हुई क्या? हेल्थ डिपार्टमेंट की फाइलें गायब हुई क्या? वही फाइलें गायब हुई जो उनके आलीशान जो ये 100-150 करोड़ का घर है उसकी और शराब घोटाले की। नीतीश कुमार विपक्षी एकता के दावे भले कर रहे हों, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता की राह में चुनौतियों की भरमार है। विपक्षी दल फिलहाल तीन धाराओं में बंटे हुए हैं। इनमें पहला कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए है, जिसमें करीब 19 पार्टियां जुड़ी हैं। दूसरा विपक्ष उन दलों का है जो बीजेपी के खिलाफ तो हैं, लेकिन यूपीए का हिस्सा नहीं है। ये वो दल हैं जिनकी कांग्रेस से तल्खी चलती रहती है। इनमें टीएमसी, आम आदमी पार्टी और बीआरएस जैसी पार्टियां आती हैं। तीसरा समूह ऐसी विपक्षी पार्टियों का है जो अमूमन या तो न्यूट्रल हैं या फिलहाल बीजेपी की घनघोर प्रतिद्वंदी नहीं मानी जा सकती। इनमें बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, बीएसपी, टीडीपी और अकाली दल जैसी पार्टियों की गिनती होती है। विपक्षी दलों की एकता के लिए जरूरी यह है कि ज्यादा से ज्यादा दल कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए में आए, जैसा हो पाना सहज नहीं है। क्योंकि ममता कांग्रेस को बड़ा भाई मानने के लिए तैयार नहीं, तो केजरीवाल के साथ भी यही स्थिति है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक मंच पर नहीं आ सकते। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस आमने सामने है, यानी नीतीश की राह में ढेरों चुनौतियां हैं। लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता का रास्ता साफ हो पाए या नहीं, नीतीश की कोशिश है कि इस मुहिम की अगुवाई के बूते कम से कम बिहार में वो अपनी चुनावी संभावनाओं को बढ़ा लें। चुनाव आज तक।